करते हो आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो रात के बज रहे हैं 10 और व्लॉग हमने बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट करा क्योंकि आज इनकी तबीयत सही नहीं है, इनकी बैठी हुई है आवाज। दवाई वगैरह हमने सब दे दी है इनको, उससे भी आराम नहीं हो रहा। दवाई से भी सुबह से बैठी है, आ गए आवाज ही नहीं निकल रही। बोल के बताओ जरा। कैसे आप सब? तो गाइज इनकी आवाज का हाल कुछ ऐसा हो रहा है और इन्होंने शिकंजी पी थी कल। कल नहीं पी तो रोज ही रहे, और कल 3 गिलास भी पी गिलास। इशारे से बात करेंगे इशारों से। सुबह तो मैं समझा मेरी आवाज चली गई, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। लो ऐसे हो रहा है, ये सोच रहा था कि अब तो मैं इशारों में बात करूंगा। गाइस यहाँ पे गले में ना बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। अब मैं क्या हूँ गाइस, आज मैं ना ओखला जा रहा था, ओखला। अरे मैं बता दूंगी वो तो। आज हमें ओखला जा रहा था, इनके गला हो गया खोखला। इनका गला हो गया खोखला। तो मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ काढ़ा। आप ही ने बताया कि ये देखे वो असर करता है, ये नहीं करता। गरारे को तो गरारे नहीं करता। हाँ उल्टी हो रही है। हाँ उल्टी हो जाती है गरारों से। गरारे नहीं हो रहे। आज हमारा इरादा था कि हम ओखला जाएंगे और वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, वहाँ की वीडियो बनाएंगे, मगर सब रखा कर लिया, कुछ नहीं हो पा रहा। तो गाइस मैं इनके लिए बना रही हूँ कावा। आप ही ने बताया कि ये डालो इसके अंदर, तो इसके अंदर है अदरक, 2 लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी। अभी इसको पका लेंगे हम अच्छे से और फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। चुटकी भर? चुटकी भर डालू आप ही? चुटकी भर चीनी नहीं, चीनी 1 चम्मच। चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच। अब मैंने गर्म पानी करके दिया और नमक, तो गरारे करने खड़े हो तो उल्टी हो गई। इनसे गरारे नहीं होते। तो गाइस मुझसे गरारे नहीं हो पाते, इनसे कराटे होते। मुझसे गरारे मुझसे हो नहीं पाते, मुझे ना उल्टी से होने लग जाती है कराटों के नाम, गरारों के नाम पे। करारो बिल्कुल आवाज ही निकलने पे। आप बैठ जाओ वहाँ जाके। ताकि गले को सिकाई मिले फिर नीचे। कभी कभी भी रमजान में बेहतियाती ना करें। भाई की आवाज बिल्कुल जा चुकी है, बिल्कुल। अभी थोड़ी बहुत निकल रही है, सुबह इतनी भी नहीं निकल रही थी। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत। हाँ बहुत फर्क पड़ गया गरारों से। अरिजीत सिंह काढ़ा तैयार हो चुका है और अब दे देते हैं इनको। वैसे तो ये पत्ती का पानी लग रहा, अब इसमें एक बार और बन जाएगा। अभी आप ही कह रही है इसे फेंकना मत, सैरी में दे देना। कैसा है? ये आओ गाइस, मैं आप लोगों को ना ये बताना चाह रहा था कि जो कावा फातिमा ने दिया है ना बना के, मुझे जो कावा बनाया है ज्यादातर निजामुद्दीन स्टेशन निजामुद्दीन मरकज में ज्यादा से ज्यादा पिया जाता है। जो जमातें आती है ना बाहर की, हाँ, हाँ। उनको सेम ऐसे ही कावा पिलाया जाता है। हाँ तो वो बाहर के ना सारे लोग पीते ही है। किस वजह से? ये सब ये जो हमारा ये गला ये बलगम, हाँ। जो कुछ भी वो होती है ना, हाँ। सब बाहर कर देता है ये। अच्छा। बॉडी को फ्रेश करता है। फ्रेश करता। हाँ। आप निजामुद्दीन मरकज जाएंगे ना तो आपको ये वहाँ पे छोटे छोटे से गिलास है उनके। हाँ इतना ही पीते हैं वो, जरूर पीते हैं वो। हाँ और वो सबको बांटते हैं। हाँ। चुस्ती आती है, वो जो एक सुस्ती नहीं रहती, हाँ। वो खत्म करता है। तो गाइस ये कावा बहुत मतलब किफायती आइटम है, आप लोग घर में बनाना। और ये कोरोना में भी बड़ा काम आया था, कोरोना में यही पियो। हाँ कोरोना जो फैला रखी बीमारी इसमें यही पियो तो यही फायदा करता है। नजला, खांसी, बलगम आना और बुखार की हरारत सब खत्म। बीबी
बीवी से परेशान हो, बीवी मायके ना जा रही हो, कावा बना के पी लो, सब चीज हमें फायदा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दवाजल आवाज थोड़ी थोड़ी निकलनी स्टार्ट हो गई है। गाइस आज है ना, आज सुबह से 3-4 दफा व्लॉग शुरू करा मैंने, मगर आवाज नहीं निकल रही ना। और जब मैं सुबह उठा ना सो के तकरीबन 11:30-12 बज रहे थे, मैं यहाँ पर आके लेट गया, फिर पता नहीं किसका फोन आया, मैं हेलो हेलो कर रहा, आवाज ही नहीं आ रही। अब मैंने कहा आवाज गई। मैंने कहा थारा भाई जोगिंदर गूंगा हो गया। थारा भाई जोगिंदर गूंगा हो गया। अब करेगा वो इशारों में बातें, अब मैं बेहतर हूँ। कल इंशाल्लाह हम लोग कल ओखला जाएंगे, कल इंशाल्लाह अगर आवाज खुल गई तो। आवाज खुल गई तो, क्योंकि देखिए इतने दूर हम जाए और ढंग का व्लॉग ना बने। हालांकि हमें जाना है वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने, मगर ढंग का व्लॉग ना बने तो मजा नहीं आने का। इस वजह से आवाज का बेहतर होना बहुत जरूरी है। आवाज सही होगी तो मजा आपको भी आएगा, हमें भी आएगा व्लॉग बनाने में। चलो कट कर दो बस यार, अब थक गया मैं। तो गाइस 1 घंटे की नींद लेने के बाद अभी आवाज पहले से थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, ये कोई व्लॉग नहीं था, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये बताने के लिए कि आपके भाई की आवाज बैठी हुई है। व्लॉग तो नहीं बनाना था, मगर ये सिर्फ छोटी सी ऐसे ही वीडियो बना दी थी हमने कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इनकी आवाज बैठी हुई है, इसलिए हमने व्लॉग नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह कल हम ओखला जाएंगे, आप लोग दुआ करिए अपने भाई के लिए, थोड़ा सा बोला तो दोबारा से बैठ गई। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे कल कुछ नए लेके अपनी वीडियो के अंदर। अभी दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।